नेक्स्ट आगे इस चैप्टर में हमको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग्स में पड़ेगा और हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। एक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा है स्क्रू गॉज। अगेन दोनों ही जो है वो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इन पे पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास जो रहता है वो नॉर्मल स्केल रहता है, बट नॉर्मल स्केल की क्या है कि अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि उसका मिनिमम जो मेजरमेंट का डिवीजन होता है वो होता है 1 mm। इसका मतलब यही हुआ कि वो 1 mm से और छोटे डिस्टेंसेस को मेजर नहीं कर पाएगा, या और ऐसे बोले तो वो mm के और टुकड़े नहीं कर पा रहा है। यानी जो हमारी लेंथ आएगी वो mm के फॉर्म में ही आएगी, 23 mm आएगी, 44 mm आएगी, 67 mm आएगी, mm के नीचे नहीं बढ़ पा रहे हम। तो mm के नीचे बढ़ने के लिए है हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज ये दोनों ही आपने जरूर देखे होंगे अपनी लैब में, क्यों भाई? अब क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है तो हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है ध्यान से। तो फर्स्ट हेडिंग पड़ता है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में इमेज है मेरे पास, ठीक है, देखा है सभी ने, क्यों भाई? वर्नियर स्केल्स हैं, दो स्केल हैं इसमें, एक जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, ये रहा इसका मेन स्केल, एक हो गया इसका मेन स्केल, ये जो पीछे आ रहा है ना ये बड़ा सा लंबा सा स्केल है इसको हम लोग बोल रहे हैं मेन स्केल। नॉर्मली ये जो मेन स्केल है वो mm या इंचेस में ग्रेजुएटेड होगा। हम एक साइड से समझ के चलेंगे कि सपोज ये mm में ग्रेजुएटेड है, इधर वाला जो पार्ट है इसका वो mm में ग्रेजुएटेड है, और ये नॉर्मल स्केल जैसा ही दिखने वाला होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो पार्ट है इसके ऊपर, ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये जो पार्ट है इसके ऊपर ये है वर्नियर स्केल, और ये जो वर्नियर स्केल है ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर पूरा स्लाइड हो सकता है कहीं पे भी। इसको हम पूरे वर्नियर स्केल को पूरे मेन स्केल के ऊपर कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ डिविजन्स वर्नियर में भी रहते हैं, कुछ डिविजन्स मेन में भी रहते हैं। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो क्लोजली इस जगह, तो हमको दोनों डिविजन ध्यान से दिखाई दे रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, वर्नियर के भी दिखाई देंगे और मेन के भी दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम लोग इससे फाइनल रीडिंग लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल रीडिंग है वो वर्नियर और मेन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो भी लेंथ हमको मेजर करनी होती है उसको हम इन दोनों जॉज के बीच में रख सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई रॉड है उसका लेंथ मेजर करना है तो उसको हम इनके बीच में लगा सकते हैं, या फिर जैसे मान लो कि कोई सिलेंडर है, कोई वेसल है, तो उस वेसल का हमको अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमको उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर वाले जॉज में लगा सकते हैं। और अगर हमें किसी सिलेंडर का डेप्थ मेजर करना है तो डेप्थ मेजर करने के लिए ध्यान से देखो इसके एंड में भी एक डेप्थ प्रूफ दिया हुआ है, दिख रहा है, तो वहां पे हम लगा सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक जगह हम उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं जिसको भी हमको मेजर करना है, ठीक है ना, बोलो। यस सर। लॉकिंग वाले स्क्रूज रहते हैं, मतलब हम जब उसको ऑब्जेक्ट को फंसा देंगे उसके बाद हम उसको लॉक कर देंगे जिससे फिर वो बाद में रीडिंग चेंज नहीं हो जाए। बोलो, सबसे पहले जो बेसिक बात है उतनी क्लियर है? यस सर। देयर आर टू डिफरेंट स्केल्स एंड फाइनल रीडिंग
फाइनल रीडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रीडिंग्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रीडिंग्स कौन कौन से स्केल है? एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल. सबसे पहले बताओ, इतना इंट्रोडक्शन क्लियर है इसका? मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, मेन स्केल पे भी डिविजन है, ठीक है, वर्नियर स्केल पे भी डिविजन है, और हम साइमल्टेनियसली दोनों के डिविजन इस रीजन से मार्क कर सकते हैं. हम लोग देख सकते हैं कि वर्नियर के कितने डिविजन, मेन्स के कितने डिविजन कोइंसाइड कर रहे हैं, एटसेट्रा. इस तरह के सारे आंसर हमको मिल जाएंगे. अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये और बढ़िया है कि इसमें ऊपर इंचेस में भी है डिवीजन और इसमें नीचे एमएम में भी डिवीजन है. तो हम तो एक तरफ समझ के चलेंगे, सपोज नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, नीचे वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या करना होगा इस इंस्ट्रूमेंट में, हमें ये देखना होगा कि वर्नियर का जो स्केल है, यानी ये जो स्केल है, इस स्केल की लेंथ क्या है, इस स्केल की लेंथ. तो ये बताओ, इस स्केल की लेंथ हमको कैसे पता चलेगी, बताओगे? मेन स्केल से पता चलेगा. हमें ये पता करना है कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जो पहला वाला है ये 0 है, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये 10 है, और इनके बीच में भी डिवीजन है. खैर वो छोड़ दो, हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर 10 डिवीजन है. तो हमें ये देखना होगा कि ये वर्नियर के जो 10 डिवीजन है, ये मेन स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है, क्योंकि वर्नियर का जो डिवीजन होगा वो एमएम में नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. तो वो डिफरेंट क्या है, ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वर्नियर की ये जो 0 से लेकर 10 तक की लंबाई है, ये मेन स्केल पे कहां से कहां तक आ रही है, बोलो. तो उसी से हमको पता चलता है सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ठीक है ना. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज, जिसको हम लोग वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वर्नियर कॉन्स्टेंट, इट इज डिफाइंड एज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज 1 मेन स्केल डिवीजन, MSD का मतलब हुआ मेन स्केल डिवीजन, और VSD का मतलब हुआ वर्नियर स्केल डिवीजन. तो जैसे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेके चले अगर हम लोग कि लेट वर्नियर, लेट वर्नियर has 10 divisions and they are equal to 9 divisions of main scale. Normally ऐसे ही होता है, अगर जैसे 20 division है तो वो 19 के equal होंगे, 10 division है तो वो 9 के equal होंगे. Relation normally ऐसे ही रहेगा जो भी तुमको मिलेगा इसमें देखने के लिए. तो यहां से ये बताओ, ऐसे बोल सकते हैं कि जो 10 VSD है वो 9 MSD के इक्वल है, और 9 MSD का मतलब होगा 9 mm, क्योंकि 1 MSD कितना है, 1 MSD हम लोगों ने 1 mm लिया हुआ है. तो यहां से 1 VSD कितना आएगा निकल के, बताओगे? तो 1 VSD की वैल्यू आएगी 0.9 mm, यानी जो वर्नियर स्केल होगा वो छोटा होगा मेन स्केल से. तो 1 VSD की वैल्यू हो गई 0.9 mm, और 1 MSD की वैल्यू हो गई 1 mm. तो यहां से अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 MSD माइनस 1 VSD. तो यहां से लीस्ट काउंट क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm. तो यही इस वर्नियर का बेनिफिट है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर पा रहे थे, अभी तक हम लोग इसको mm में ही मेजर कर पा रहे थे, लेकिन अब हम इसमें mm के भी 1/10, मतलब mm के भी हमने 10 टुकड़े कर दिए, तो 0.1 mm तक की इसमें हमको प्रिसीजन मिलेगा. अब जो लेंथ इससे मेजर होके आएगी वो इस तरह से आएगी 21.3 mm या 44.6 mm. तो हमारा जो वैल्यू है वो और प्रिसाइज हो रहा है. हम नॉर्मल स्केल से मेजर करते तो 44 mm आती,
वर्नियर से मेजर कर रहे हैं तो 44.9 mm आएगी। क्लियर है इतना बात यहां तक? बताओ ये जो लीस्ट काउंट है ये 1 MSD माइनस 1 VSD कैसे आया, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, पहले इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, फिर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि ये सब चीजें डेवलप कैसे हुई, आया कहां से ये, ठीक है ना सर? सर ये एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जांपल में मैंने ये किया, हमने कोई भी एक वर्नियर ले लिया है जिस वर्नियर में 10 डिवीजन है, वर्नियर वाले डिवीजन 10 है और वो जो 10 है वो मेन के 9 डिवीजन से मैच कर रहे हैं, मतलब नीचे वर्नियर के हैं ऊपर मेन के हैं, तो वर्नियर के जो 10 है वो मेन के 9 के इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम में है, मतलब ये जो 0 है और ये जो 10 है इनके बीच का लेंथ अगर हम मेन स्केल पे देखते हैं तो मेन स्केल पे ये 9 डिवीजन के बराबर आ रहा है और वर्नियर पे ये 10 डिवीजन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। 9 मेन स्केल डिवीजन का मतलब हुआ 9 mm, तो 1 VSD का मतलब कितना हो जाएगा 0.9 mm। अब 1 VSD 0.9 mm हो गया, ठीक है, और 1 MSD कितना था, 1 MSD 1 mm था, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, MSD माइनस VSD, MSD माइनस VSD 0.1 आ गया। यस सर, ठीक है सर। इसके बाद जो हम लोग रीडिंग लेंगे, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो ये जो रीडिंग होगी वो दो रीडिंग्स का सम बनेगी, एक रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग और एक रीडिंग होगी वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको हम MSR बोल रहे हैं, इसको हम VSR बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हमको बताएगा वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन होगा, तो देखो फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होगा वो जीरो होगा, तुम यहां पे देख सकते हो वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन है, वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन क्या है, ये जो वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन है ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, ध्यान रखना फर्स्ट का मतलब वन नहीं है, वर्नियर फर्स्ट डिवीजन मतलब जीरो, तो हमें देखना ये होगा कि वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के किसी डिवीजन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दो ही ऑप्शन होंगे, या तो किसी डिवीजन से मैच कर रहा होगा एग्जैक्टली या नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कर रहा होगा चांसेस कम है, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है उससे तो हमें ये देखना होगा कि ये जो जीरो है ये कौन से दो डिवीजन के बीच में है, वर्नियर का जो जीरो है वो मेन के कौन से दो डिवीजन के बीच में है, तो हम लोग बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग बनेगी द डिवीजन ऑफ मेन स्केल विच लाइज जस्ट लेफ्ट टू द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल तो ले ही रहा हूं, तो एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज एग्जांपल लेके चले तो सपोज ये नीचे वर्नियर स्केल है और ऊपर मेन स्केल है, तो वर्नियर का जो जीरो है, ठीक है, वर्नियर का जो जीरो है ये मेन के कौन से दो डिविजन्स के बीच में पड़ रहा है, तो कोई भी डिवीजन हो सकते हैं, मान लो ये 23 है ये 24 है, तो हमारे लिए मेन स्केल डिवीजन कौन सा बन जाएगा, मेन स्केल डिवीजन बन जाएगा 23rd डिवीजन, क्योंकि हमें देखना है जीरो के लेफ्ट वाला कौन सा है, तो इतना जो पार्ट है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मेन स्केल डिवीजन का, तो अगर हम मेन स्केल डिवीजन यानी कि 1 mm का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कंप्लीट हो गई, मेन स्केल रीडिंग कंप्लीट हो गई, बताओ क्लियर है मेन स्केल रीडिंग कैसे आई? एक बार और बताइए। इसमें मैंने बोला कि जो वर्नियर का जीरो है ये जीरो मेन के किसी डिवीजन से कोइंसाइड नहीं करेगा नॉर्मली, तो हमें ये देखना होगा कि ये कौन से दो डिवीजन के बीच में है, तो जैसे ये 23 और 24 के बीच में है तो 23 हमारा मेन स्केल रीडिंग बन गया,
ऐसा समझ रहे हैं कि हमने उसने कहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो 23 तक का कवर कर लिया है और 23 के आगे कुछ और बढ़ा है, तो आगे कितना बढ़ा है वो हम लोग अलग तरीके से निकालेंगे। यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 23 mm हो गया, तो ये बनेगा मेन स्केल रीडिंग। यस सर, समझिए। नेक्स्ट है इनटू एमएसडी क्यों करेंगे? इनटू एमएसडी इसलिए करेंगे क्योंकि नॉर्मली जैसे अभी जो मैंने लिया हुआ एग्जांपल उसमें 1 mm है ना, लेकिन कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 0.5 mm है और बढ़िया वर्नियर कैलिपर से, तो उसका मेन स्केल भी 0.5 mm है उस सिचुएशन में। एमएसडी तो 1 mm है ना, इस केस में 1 mm है, बट हम लोग केवल यही एग्जांपल थोड़े ना करने वाले हैं, आगे और भी सारे केसेस आएंगे। तो अगर एमएसडी 1 mm नहीं हुआ, 0.5 mm हुआ, तो 23 into 0.5 करना होगा ना। क्योंकि इस वाले इंस्ट्रूमेंट में हमने एमएसडी 1 mm लिया हुआ है, ये एक एग्जांपल लिया हुआ है ना समझाने के लिए। लेकिन अगर मान लो वो वर्नियर कैलिपर्स ऐसा हुआ जिसका मेन स्केल 0.5 mm का हुआ, तो क्या करोगे? तो 23rd नंबर का जो डिवीजन होगा वो 0.5 into 23 होगा ना सर। वर्नियर स्केल रीडिंग बनेगा द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ एनी ऑफ द डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ एनी ऑफ द डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट का। मतलब अब जैसे जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो जीरो नहीं कोइंसाइड कर रहा होगा तो डेफिनेटली कोई और तो कोइंसाइड कर ही रहा होगा, तो लेट्स से सिक्स्थ वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है उससे मतलब नहीं है, सिक्स्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाली रीडिंग बन जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी सिक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 का, क्योंकि लीस्ट काउंट कितना था 0.1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.6, तो ये हो जाएगा 23 और उसमें प्लस करेंगे 0.6, तो आंसर कितना हो जाएगा 23.6 mm हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए सर। सर जैसे अभी आपने बोला कि इसमें इस एग्जांपल में हम लोग ने एमएसडी 1 mm लिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एमएसडी चेंज हो जाएगा, तो सर लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगा फिर? हाँ तो चेंज हो जाएगा ना, सब चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू तो लेकिन सर वर्नियर जो ये वैल्यू लिखेंगे लीस्ट काउंट तो 0.1 होता है ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अरे हो सकता है भाई, तुमने उसी वर्नियर कैलिपर देखा है क्या? हो सकता है 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू डिपेंड करेगी। 0.1 से छोटा तो होगा नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, ये तुमने कहाँ पढ़ लिया? अरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग लीस्ट काउंट होंगे ना, कि दुनिया में जितने वर्नियर कैलिपर्स हैं सबका लीस्ट काउंट 0.1 mm है, ये बताओ। और हो सकता हो या ना हो सकता हो, क्वेश्चन में तो बिल्कुल हो सकता है। यस सर। सर ये जो कॉन्साइड है तो वर्नियर और मेन जहां पे कॉन्साइड कर जाएगा वो ले लेंगे। हाँ, जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रहा हो वर्नियर का, हमें वर्नियर का डिवीजन इम्पोर्टेंट है, तो वर्नियर का डिवीजन लेना है ना सर कॉन्साइडिंग वाला। हाँ, मेन स्केल, मेन स्केल का कोई काम नहीं है। मेन स्केल का काम हो गया ना, मेन स्केल रीडिंग 23 mm आ गई और वर्नियर स्केल रीडिंग 6 into लीस्ट काउंट आ गई। ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर आपने मेन स्केल डिवीजन में सर इनटू एमएसडी क्यों लिया? अभी तुम लोग ऐसा करो, एक काम करो, लिख लो, अभी तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा। नहीं सर, सर जो आपने लिखा द डिवीजन ऑफ एमएस व्हिच लाइज जस्ट लेफ्ट, सर वहां पे इनटू एमएसडी करा है। हां तो क्योंकि एमएसडी की जरूरत पड़ेगी ना, बताओ
मल्टीप्लाई करेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा सर, हाँ बोलिए सर, जैसे कि जो वर्नियर स्केल है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे माना है कि उसके 10 डिविजन्स हैं, हाँ है ना सर, लेकिन ऐसा है तो नहीं है सर, मतलब उसके 10 डिविजन्स के अंदर भी डिविजन्स हैं? हाँ, अभी इस वाले एग्जांपल में जो मैंने डायग्राम लिया उसमें ऐसा नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिया है। ठीक है, उसमें जो अंदर वाले डिविजन्स हैं उनका क्या काम हुआ सर? उनको भी काउंट करेंगे तो और अच्छा वर्नियर कैलिपर्स हो जाएगा भाई। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पे जितने ज्यादा डिविजन्स होंगे, समझो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट और कम होता जा रहा है, उतना ही अच्छा वर्नियर कैलिपर्स है। वही 0.01 mm करिए कुछ आएगा। तो जैसे इस एग्जांपल में, जैसे डायग्राम में अगर मैं अंदाजा लगाऊं, तो रहा नहीं है ज्यादा, बट ऐसे मान के चले तो इसमें मुझे लगता है 50 या 100 डिवीजन है। इसमें जो टोटल डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक वो 50 या 100 के आसपास है। 100 लग रहे हैं, 50 है। हाँ मतलब देख, वो दिख नहीं रहा, जाने दो, समझ लो पहले चीज समझना है। 50 होंगे तो इसमें 50 डिवीजन है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 डिवीजन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक बताओ, अभी भी कोई डाउट? आगे सर, सर जो MHD होगा, हाँ, वो मेन स्केल का लिस्ट काउंट ही तो होगा। हाँ, मेन स्केल का, हाँ, वही तो सर। लेकिन सर उसको वर्नियर का लिस्ट काउंट नहीं बोल सकते, मतलब अगर एक पूरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ वर्नियर कैलिपर जो स्केल होता है छोटा वाला, उसके लिस्ट काउंट को मानेंगे ना लिस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो ये हुआ, 1 MSD में से हम 1 VSD सबट्रैक्ट करके जो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब होगा 1 MSD। दोनों बातों में फर्क है ना? यस। ठीक है, यहाँ तक? यस सर। बेटा तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। ओके सर, हम बात इसके बाद, इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, देखो ये जो वर्नियर कैलिपर्स हम लोगों ने लिया है इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हम ये दोनों जॉज, इनको जॉज बोल रहे हैं, अगर इन दोनों जॉज को हम बिल्कुल सटा दें, मतलब कि हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी मेजर नहीं करने की कंडीशन में ये वाला जो जीरो है और ये वाला जो जीरो है, ये दोनों जीरो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे एग्जैक्टली। मतलब वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन और मेन का फर्स्ट डिवीजन, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे जब हम ये दोनों जॉज जो है वो पास पास ले आएंगे। बात समझ में आई? इन दोनों के बीच का गैप जब हम हटाएंगे तो ये जीरो के पास आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर। ठीक है ना, तो अगर दोनों के कोइंसाइड कर जाते हैं, ध्यान से सुनना, तो हम लोग बोलते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट एकदम बढ़िया है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते करते, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा परमानेंट एरर आ जाता है और वो एरर कहलाता है जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब ये है कि अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों जॉस जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कि उसमें जीरो एरर है। तो हमें क्या करना होता है कि उसका जीरो एरर भी मेजर करना होता है और उस जीरो एरर को हम अपनी इस रीडिंग में एडजस्ट करते हैं, तभी हमको फाइनल सही आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर गड़बड़ आएगा। तो जीरो एरर क्या होता है और कैसे निकालते हैं ये देखो जरा नेक्स्ट। तो बीच में लिख लेंगे पहले तो जीरो एरर। जीरो एरर कब निकालना पड़ेगा, तो इसमें हम नीचे लिख सकते हैं when both jaws are closed and zero of vernier scale does not coincide with zero of main scale। तो अगर ऐसा है, coincide नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है और उसके अंदर जीरो एरर है, तो फिर से मैं कहूंगा कि जीरो एरर दो टाइप का हो सकता है, ठीक है,
एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? तो देखो, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो जैसे सपोज ये मेन स्केल है ऊपर वाला और नीचे वाला वर्नियर स्केल है, तो अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे है, पॉजिटिव साइड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर. और अगर यही यही अगर पीछे की तरफ है, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है, मेन स्केल का जीरो आगे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पहचानने में कोई डाउट होगा क्या कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है? नहीं होगा सर. नहीं होगा, पहचानने में आसानी नहीं होगा. अब क्या करेंगे, अब हम इसी कंडीशन में इसका रीडिंग निकालेंगे कि रीडिंग कितना है. तो रीडिंग कैसे निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट की, बताओ इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. तो बताओगे मुझे इस सिचुएशन में मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? हाँ, जीरो. जीरो होगी. तो जीरो इंटू एमएसडी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी इस सिचुएशन में? एन इंटू पॉइंट वन. मत बोलो पॉइंट वन, तो एक एग्जाम्पल है ना. एन इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आ जाएगा प्लस में आएगा एन इंटू लीस्ट काउंट. अब देखो प्लस में निकल के आएगा, मतलब यही पॉजिटिव जीरो एरर हो गया. पॉजिटिव जीरो एरर हो गया. अब मुझे तुम ये बताओ सोच के थोड़ा सा कि इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम यूज करते हैं तो इससे जो हमको आंसर मिलेगा वो आंसर ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा सर. ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा यार सभी को. और अगर वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है ये बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा आएगा. यस सर. तो क्या करना होगा इस वैल्यू को फाइनल आंसर में से क्या करना होगा? सर माइनस कर देंगे. माइनस करना होगा, याद रहेगा ना, ध्यान रखना. इसमें बताओ सेकंड केस में, इसमें भी अगर हम लोग रीडिंग लिखते हैं, रीडिंग, तो रीडिंग का मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. So what is main scale reading in this case? Zero. Zero कैसे होगी? Zero तो इधर थी ना. तो negative one बोल नहीं सकते, लेकिन negative one बोल नहीं सकते, but calculate करने के लिए लिख सकते हैं. तो ये बनेगा minus one into MSD और vernier scale reading बनेगी n into least count. अगर हम लोग technically चले, लॉजिकली तो समझ में आ रहा है कि वो रीडिंग नेगेटिव हो गई है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जीरो के पीछे, तो जीरो के पीछे है तो कुछ नहीं, बट अगर मान लो होता तो क्या होता जीरो के पीछे? तो हम लोग बोलते भाई जीरो के पीछे माइनस वन ही तो होगा. बात समझ में आई सर? अगर बहुत बड़ा होता सर, बहुत ज्यादा पीछे होता तो सर माइनस ले सकते. अब देखो बहुत ज्यादा पीछे होगा तो देखो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा. फिलहाल हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे है. बात समझ में आई? हम लोग यही मान के चलेंगे थोड़ा पीछे है. भाई एरर तभी तो बोलते हैं जब एरर कम हो. बहुत ज्यादा पीछे होगा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखेगा वो, जिससे तुमको इंडिकेट मिल हिंट मिलेगा कि बहुत ज्यादा पीछे है या थोड़ा सा ही पीछे है. पहले बेसिक बातें समझ लो एक बार में, ठीक है ना? तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव निकल के आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो ये बनेगा नेगेटिव जीरो एरर. अभी बताओ कि जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, तो आंसर हमारा जो आएगा वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा सर. कम आएगा. कम आएगा. और उसमें हमें इस वैल्यू का मॉड लेके ऐड करना चाहिए. यस सर. यस सर. मॉड क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी मॉड. हम लोग अगर एरर को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट करने पे अपने आप ऐड हो जाएगा. होगा या नहीं, बताओ? Yes, sir. तो जब हम लोग लिखते हैं ना फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर को लिखेंगे मेजर्ड रीडिंग, और मेजर्ड रीडिंग में से हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे
जीरो एरर। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्लियर है? अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहां एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर सकते हो, और वह ये कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो एरर, याद रहेगा? जीरो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो एरर। यहां तक देख लो ध्यान से, दिस इज बेसिक्स, बेसिक बातें वर्नियर की यही है। सर ये जीरो करेक्शन समझ, अरे जीरो करेक्शन में समझना कुछ नहीं है, जीरो करेक्शन नेगेटिव जीरो एरर को बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। समझने वाला क्या है उसमें? हम लोग अपने फाइनल आंसर को करेक्ट कर रहे हैं ना, तो करेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जीरो करेक्शन को हम लोग ऐड करते हैं। तो जीरो करेक्शन जो होता है वो जीरो एरर का नेगेटिव होता है, क्योंकि जीरो एरर अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जीरो एरर अगर नेगेटिव हुआ तो हमें उसको ऐड करना होगा। तो जीरो करेक्शन माइनस ऑफ जीरो एरर हो जाएगा, याद रखो बस इतनी सी बात, और क्या। क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो देखो करो क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है आईआईटी के, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो करो ट्राई। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है कि वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो ए यूनिट्स का है, और हमको दिया हुआ है कि एन मेन स्केल डिविजन्स इक्वल है एन प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल हो जाएंगे ए इंटू एन यूनिट्स के, है भाई। तो वन वी एस डी कितना होगा? वन वी एस डी हो जाएगा ए इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। कर लिया ना यहां से? तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट का मतलब हुआ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन ए है और वर्नियर स्केल डिवीजन है ए एन अपॉन एन प्लस वन। कितना आता है ये? तो ये आ रहा है ए अपॉन एन प्लस वन। कर लिया सभी ने? देखो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, मैंने बोला कि वन एमएसडी ए यूनिट्स के इक्वल है और एन एमएसडी एन प्लस वन वीएसडी के इक्वल है। तो n प्लस वन वी एस डी का मतलब हुआ ये a इंटू एन यूनिट्स के इक्वल हुए। तो वन वी एस डी कितना हो जाएगा? a इंटू एन अपॉन एन प्लस वन। कर लिया? लीस्ट काउंट आएगा वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी। तो वन एम एस डी हो गया a एंड वन वी एस डी हो गया a एन अपॉन एन प्लस वन। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आंसर। निकाल लिया? नहीं निकाल पाया? आ गया सर। सभी ने कर लिया था? कोई डाउट बताओ किसी को? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये भी आईआईटी का ही है। नेक्स्ट देखो, इसमें वन एमएसडी दिया हुआ है 1 mm और दिया हुआ है कि 20 VSD जो है वो इक्वल है 16 MSD के, यानी कि 16 mm। तो इसका मतलब 1 VSD कितना हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा 16 अपॉन 20 mm, या इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 mm। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा
लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो जाएगा 1 mm माइनस 4 बाय 5 mm, तो ये आ जाएगा 1 बाय 5 mm, जिसको हम लोग लिखेंगे 0.2 mm. ठीक है, कर लिया था सभी लोगों ने. और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, देखो उसने कई बार बोलता है कि जीरो एरर नहीं है, कई बार नहीं बोलता है, कुछ नहीं दिया होता है तो जीरो एरर नहीं लेते हैं. ठीक है ना, जैसे इसके पहले वाले दो क्वेश्चन थे. तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर एंड इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल. तो ये बात जरा समझना ध्यान से. जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर का जो जीरो है, ये वर्नियर स्केल हो गया, ये मेन स्केल हो गया, तो ये 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है. तो इससे हमको दो बातें पता चल गई. एक तो ये पता चला कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 5.10, और दूसरी बात ये पता चली कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना है. ये जो डिस्टेंस है ये किसकी डिस्टेंस हो गई, ये मेन स्केल डिवीजन हो गया. तो यहाँ पे 1 MSD की वैल्यू हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर, और मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, तो मेन स्केल रीडिंग भी मिल गई 5.10 सेंटीमीटर. अब देखो, अब इसमें तुमको MSD मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना कॉमन सेंस तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा. उस वक्त जो उसने वैल्यू दी हुई है वो डिवीजन नहीं दिया हुआ है, उसने वो लेंथ दे दी है कि लेंथ 5.1 सेंटीमीटर है. तो अब उसमें MSD मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, MSD मल्टीप्लाई तब करते हैं जब डिवीजन का नंबर दिया होता है. 1 MSD 0.05 आ गया, और आगे कह रहा है वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर. 50 VSD इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के, तो 1 VSD बनेगा. मुझे खत्म कर लेने दो, फिर पूछ लेना लास्ट में. 2.45 अपॉन 50, तो 2.45 डिवाइडेड बाई 50 कितना बनेगा ये, क्यों भाई, ये बनेगा 0.049 सेंटीमीटर. अरे, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD इज 0.05, 1 VSD इज 0.049, तो यहां से आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए उसने दिया हुआ है कि 24th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है वन ऑफ द मेन स्केल, तो 24 इनटू लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 0.024 सेंटीमीटर. तो फाइनल आंसर या रीडिंग क्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 5.10 प्लस 0.024, तो ये आंसर आ जा रहा है 5.124 सेंटीमीटर. कई लोगों ने निकाल लिया था, क्यों भाई, बताओ क्या डाउट है इसमें, आप पूछो. सर, हम लोग को ये कैसे पता कि 5.10 और 5.15 के बीच में कोई डिवीजन नहीं है मेन स्केल? हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस है, क्वेश्चन पढ़ के यही पता चलेगा, कुछ और होता तो फिर वो कुछ और देता ना. कॉमन सेंस क्या कहता है बोलो. अपने आप हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, जो लॉजिकल बात जो लग रही है वैसे ही करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि सारी बातें मैच हो रही है ना भाई. वर्नियर स्केल का जो डिवीजन आया निकल के 0.049, उससे तो बड़ा होगा ना कि छोटा होगा? यस सर, बड़ा होगा. तो वो चीज मैच कर गई ना, तो आगे वो चीज वेरीफाई हो जाएगी. कुछ और होगा तो कुछ और दिया होगा. कर लिया था ये प्रॉब्लम सभी ने? यस सर.
एक और क्वेश्चन है देखो इसको इसको फिर चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके सर